हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसीज के बारे में कि क्या आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रहलाद जोशी जी जो कि भारत के कोल मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कोविड 19 संकट में देश की अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए इस साल विभिन्न पदों पर 6600 नई भर्तियां करेंगी। श्रम शक्ति में होने वाले यह वृद्धि युवाओं को रोजगार देने के साथ कंपनी को आने वाले वर्षों में 1 बिलियन कोयला टन उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी। इसी के साथ उन्होंने इंग्लिश में भी सेम चीज़ ट्वीट किया था। ट्वीट करने के नीचे एक लिंक दिया हुआ था, जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक इकोनॉमिक टाइम का रिपोर्ट खुल जाएगा। उस रिपोर्ट के हिसाब से 6600 जो नई वैकेंसी आने वाली है वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को मिला के है। इसके साथ ही 400 नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया था कोरोना के चलते। और आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव का मतलब GMHRD, GM Mines, CM Mines, सीनियर मैनेजर, DY मैनेजर, SOE मैनेजर, इन सब पोस्ट को रखा गया है एग्जीक्यूटिव के ट्रेनिंग में। और नॉन एग्जीक्यूटिव के ट्रेनिंग में माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, ये सब जो पोस्ट होता है इसको रखा गया है। ये भी कहा गया था कि जो एग्जीक्यूटिव का लिस्ट है उस एग्जीक्यूटिव के सीट में 6600 सीट में 1326 सीट का या मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी निकल चुका था, जो कि 27/2020 को एग्जाम भी हुआ था, 27 और 28 को CBT, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया था। जो अलग अलग स्ट्रीम का माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SSA करके स्ट्रीम का निकला हुआ था, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है इस 6600 के वैकेंसी में। इसके साथ ही 1000 वर्कमैन का भी वैकेंसी इस साल निकलने वाला है कोल इंडिया लिमिटेड में, लोडर, फीटर, वेल्डर, इस टाइप का जो पोस्ट होता है उसमें। इसके साथ ही जिन फैमिलीज़ को डिस्प्लेस कर दिया गया था किसी प्रोजेक्ट के द्वारा लैंड एक्वाइजिशन के चलते, कोल को आगे माइंस को बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट को नया शुरू करने के लिए, इन कारणों के कारण जो लैंड एक्वाइजिशन हुआ था उसके चलते 500 से 600 नया जॉब दिया जाएगा उन लोगों को जिनके साथ लैंड एक्वाइजिशन का केस हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल 8000 वैकेंसी जो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों को मिला के निकाला गया था कोल इंडिया लिमिटेड में। इसके साथ ही हर साल 10000 लोग रिटायर कर जाते हैं कोल इंडिया लिमिटेड से। टोटल वर्कर यहाँ पे 2.8 लाख एम्प्लॉय हैं कोल इंडिया लिमिटेड में। लोग अपने स्तर पे एनालाइज करते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो सारी सब्सिडरी कंपनीज है उसमें किस कंपनी में कितना वैकेंसी आने के चांसेस हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि पिछले साल जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन टारगेट था वो 660 मिलियन टन था, जबकि उसका प्रोडक्शन हुआ 602 मिलियन टन। और इस साल यानी कि 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन टारगेट रखा गया है 710 मिलियन टन, जो कि लॉकडाउन और बिजली की बढ़ती डिमांड के कारण उसको श्री जोशी जी के द्वारा बढ़ा के 1 बिलियन टन कर दिया गया है, यानी कि 30% तक उत्पादन लक्ष्य को बढ़ा दिया गया, जिसके कारण वैकेंसीज की जरूरत पड़ी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का जो टारगेट जो अचीव किया था वो 2019-20 में वो था 66.89 मिलियन टन, अब उसी में 30% का इजाफा हो जाएगा। अब बात करें इसका वैकेंसी का, तो इसका जो लास्ट वैकेंसी निकला था वो था 3/9/2019 को, वो जूनियर ओवरमैन का 75 पोस्ट का वैकेंसी निकला था, जिसका एग्जाम 25/3/2020 को होने वाला था, जो कि लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया। तो इसीलिए जूनियर ओवरमैन का जो वैकेंसी है CCL का, उसका चांसेस घट जाता है, बट मीन माइनिंग सरदार का वैकेंसी का चांसेस बढ़ता है। नेक्स्ट सब्सिडी की बात करें वो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि NCL। इसका जो 2019-20 का प्रोडक्शन था वो था 108.5 मिलियन टन का। इसका जो लास्ट वैकेंसी आया था वो था माइनिंग सरदार का, वो 7/2/2020 में आया था, जिसका एग्जाम भी अभी तक नहीं हुआ 88 सीट का। और जूनियर ओवरमैन का जो वैकेंसी था वो 28/8/2018 को हुआ था। तो इसमें जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी का चांसेस बढ़ता है, चूँकि माइनिंग सरदार का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो माइनिंग सरदार का कम चांसेस है। नेक्स्ट सब्सिडरी की हम बात करने वाले हैं वो है BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो इसका जो 19-20 का प्रोडक्शन था वो था 27.73 मिलियन टन, और इसका जो लास्ट वैकेंसी आया था वो जूनियर ओवरमैन माइनिंग सरदार का 3/4/2017 को आया था, उसके बाद इसमें कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आया। और इसके साथ ही एक इसमें 62 नई खदान खुलने का प्रोजेक्ट सेंशन हुआ था, साइन हुआ था, जिसमें 11 अंडरग्राउंड और 51 ओपन कास्ट माइनिंग था। तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ चांसेस है सब्सिडरी में वैकेंसी आने का तो वो है BCCL में सबसे ज़्यादा चांसेस है कि माइनिंग सरदार ओवरमैन का वैकेंसी आए।
जो नेक्स्ट सब्सिडियरी की हम बात करने वाले हैं वो है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी WCL। तो इसका जो 2019-20 का प्रोडक्शन था वो 57.64 मिलियन टन था। उसके साथ ही जो लास्ट वैकेंसी निकला था वो माइनिंग सरदार शॉर्ट फायरर का 2018 यानी 5/9/2018 को निकला था। उसके बाद ना जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी आया ना माइनिंग सरदार का वैकेंसी आया, तो इस हिसाब से जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी का चांसेस में ज़्यादा है और माइनिंग सरदार का वैकेंसी का संख्या थोड़ा कम है बट है चांसेस। नेक्स्ट सब्सिडियरी की हम लोग बात करने हैं वो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी SECL। तो उसका जो 2019-20 का प्रोडक्शन था वो था 150.55 मिलियन टन और उसके साथ ही जो लास्ट वैकेंसी निकला था वो माइनिंग सरदार और सर्वेयर का फरवरी 2020 में निकला था और जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी पिछले 2 साल में नहीं निकला है। तो इसका मतलब जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी का चांसेस बढ़ता है और माइनिंग सरदार और इसका वैकेंसी का एग्जाम भी नहीं हुआ है तो उसका तो अभी वैकेंसी आना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं MCL यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में। तो उसका 2019-20 का जो प्रोडक्शन था वो था 140.36 मिलियन टन का और इसमें जो वैकेंसी लास्ट आया था वो जूनियर ओवरमैन माइनिंग सरदार और सर्वेयर तीनों का वैकेंसी 370 पोस्ट का एक साथ आया था जो कि 1/12/2018 को आया था। उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी का अपडेट इसमें नहीं है तो इसमें चांसेस है कि तीनों का तीनों पोस्ट का बहुत ही अच्छा वैकेंसी आएगा। सब्सिडियरी की हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि ECL। तो इसका जो 2019-20 का प्रोडक्शन था वो था 50.41 मिलियन टन और माइनिंग सरदार सर्वेयर का जो लास्ट वैकेंसी निकला था 117 पोस्ट का वो 1/2/2018 को निकला था। ओवरमैन का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, मतलब कि ECL में भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। या कोई सजेशन या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद।